ये देखिए सुधा मार्डी का आयोजन किया हुआ क्रिकेट मैच जो चैबासा का था, हम तो आधा में पहुंचे हैं, हम पूरा नहीं देख पाए। चलिए शुरू करते हैं आज देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। जलकांडी में हो रहा है जो कि आप देखिए अच्छी तरीके से मुजाहिद ने और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 51। हम इधर सामने वाले गांव पे क्रिकेट मैच चल रहा है जिसको हम लोग आ गए हैं। चैबासा और टाटा वाला भी आए हुए हैं। ये देखिए अभी हम जस्ट पहुंचे हैं। ये देखिए क्रिकेट मैच चल रहा है, एक और आसान रन, 1,00,000 प्राइज है फर्स्ट प्राइज। ये देखिए आपको पूरा व्यू चेक करवा रहे हैं। ये देखिए हमारा जो स्टेडियम है बिल्डिंग में तब्दीली, यहाँ पर बहुत जोर शोर से फुटबॉल खेल भी होता है जारी ठंडी में। ये हमारा मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, जो बाहर के लोग भी आते हैं खेलने के लिए। ये देखिए बैटिंग और बढ़िया सा उठा रही है, कैच हो सकता था मगर फिर से कैच ड्रॉप, मुजाहिद को फिर से जीवन दान मिला। ये देखिए फिर से कैच छोड़ गया, कितना रन चाहिए है इन लोगों को। चैबासा वाला बैटिंग कर रहे हैं। ये देखिए फिर से बॉल आ गया और बढ़िया शॉट से हमारा यहां से सिंगल रन, सीधा ड्राइव कर दिया कवर, सिक्सटा कवर के क्षेत्र में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग मगर संभालने में। ये देखिए चैबासा को कुछ ही रन चाहिए, समय ऐसा लग रहा था अगर उस बीच अगर कैच तेज रफ्तार में गवाए नहीं होते तो मैच में बिल्कुल पकड़ बनाए रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसे दो तीन कैच जो आसान सा कैच था हाथ से गवाए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तेज रफ्तार को। ये देखिए अभी उसे बहुत ही कम रन चाहिए, फील्डिंग में बहुत स्ट्रिक कर दिया गया चैबासा वाला को। हम बीच ये मैच के आधे में ही आए हैं, उससे पहले हम घर में थे। ये देखिए आप वीडियो पे देखिए अभी कुछ देर के रुका हुआ है। ये देखिए फिर से गेंद आने वाला था, कुछ एम्पियर ने इसे बोला, फिर से वो पीछे चल गया। ये देखिए फिर से गेंद डाल रहा शॉर्ट गेंद, ये देखिए फिर से बॉल डाला जा रहा है। हाँ, इसको सीधा कवर के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया है, फील्डिंग के चक्कर में गेंद फील्डर के हाथों से छिटक कर जरूर पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन एक रन बचा नहीं पाए और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 का स्कोर हो चुका है। 67 टारगेट है, 67 का टारगेट मिला हुआ है, बिल्कुल जीत के दहलीज। ओहो और ये लंबा हिट गेंद हवा में जरूर, नीचे फील्डर तैनात, फिर से कैच ड्रॉप, काफी समय थी कैच लेने में मगर सौभाग्यशाली बना जाएगा चैबासा के बल्लेबाजों को जिस तरह से तेज रफ्तार ने कैच मिस किए हैं। ये क्रिकेट है, कैच की बहुत ही अहमियत होती है और इसको सीधे बल्ले से धकेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और दौड़कर एक रन आसानी से चुरा लिए हैं और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 और 6 रन चाहिए जीत के लिए। ये देखिए मारा है सिंगल, रन जाएगा फील्डर से बहुत ही, फिर से एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया 62। 18 गेंद, 3 ओवर, 18 गेंद में केवल 5 रन चाहिए, बॉल बहुत सारा बचा हुआ है, 3 ओवर है, 18 गेंद में आपको मिलना चाहिए 5 रन, 1-4 मार के 1-6 मार के इजीली प्रॉपरली विन हो जाएंगे और टाइम है। हम तमाम दर्शक जितने भी यहां पर ही हैं हम चाहेंगे ये 5 रन विनिंग 6 से समाप्त की जाए। ये देखिए फिर से बॉल डाला जा रहा है, 5 रन चाहिए, वाइट बॉल चल गया, वाइड बॉल, जीत के लिए बस 5 रन की जरूरत है, बस 1-6 की जरूरत है। हां बढ़िया जी, और ये विनिंग छक्का मुजाहिद के बल्ले से निकला हुआ लंबा सिक्स, ये रहा एक्स्ट्रा रबर एक्स्ट्रा माइलेज एमआरएफ 6 मुजाहिद के बल्ले से निकला हुआ विनिंग 6। इसी के साथ
चायबासा इस मैच को अपने हाथ में ले लिए हैं, विनिंग कर लिए हैं, जीत लिए हैं। अभी जिसके बाद मैं अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि आज का दूसरा मैच ताबड़तोड़ मैच, जबरदस्त धमाकेदार मैच होने वाली है जमशेदपुर और रायरंगपुर के बीच में। तो दर्शकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक सुजग, एक मौका दिया गया है कमेटी की तरफ से, जो सीमा रेखा के बाहर 6 रन को दर्शक ने अगर पकड़ेंगे तो उनको 10 रुपये का इनाम रखा गया है। तो दर्शक बंधुओं से, दर्शकों से ये सूचित करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर चौकन्ना ना रहे। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के ऊपर से जाएगी तो आप उसको कैच लेने में प्रयास जरूर करेंगे। आप अगर उस कैचों के लिए, हर कैच के लिए 10 रुपये का इनाम रखा गया है।